अभी हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 मैथ्स का एनसीईआरटी बुक 12th का, ठीक है। इसमें हम लोग आज अव्ययों का गुणनफल कैसे करते हैं, दो अव्ययों का गुणा कैसे करते हैं, ये इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं, ठीक है। तो दिया है यदि a इक्वल टू अव्ययों का 3, 3, 5 और 4, 4, 4, b इक्वल टू दिया है 1, 3, 1, -1, 2, 0, 0 दिया है। हो तो हमें क्या करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, मीन्स ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऑर्डर में दिया है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे पंक्ति कितना टो है, एक दो टो पंक्ति है, ठीक है। पंक्ति के लिए क्या कर दिए, दो कर दिए। स्तंभ कितना टो, एक दो तीन, 2×3 का हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कितना पंक्ति है, एक दो तीन पंक्ति, तीन पंक्ति हो गया जी। अब देखो इसमें स्तंभ कितना था, एक दो ठो स्तंभ। तो हम लोग को यहाँ से ये पता चलता है कि मान लो दिया है 2×3 और 3×2 दिया है, ठीक है। तो हमेशा जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे होगा, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये आंसर आएगा हम लोग का 2×2 जो है हम लोग का आंसर में आएगा, ठीक है। मींस इसमें जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें दो पंक्ति होंगे और दो स्तंभ होंगे, ठीक है। चलो कैसे देखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आएगा जी, चलो देखते हैं, ठीक। तो ए बी, ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 3, 3, 5, 4, 4, 4, ठीक है। और 1, 3, -1, 2, 0, 0, ठीक। देखो हम लोग a इंटू बी किए, मीन्स a को लिख दिए, b को लिख दिए। अब सिंपली करना क्या है कि हम लोगों को पंक्ति, पहला पंक्ति इसके पहले स्तंभ से, और फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से, वैसे ही दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ से, और क्या होता है दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ से। देखो इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा ये जो है पंक्ति इंटू स्तंभ है, यहाँ से देख सकते हो अभी ये क्या है, दोनों इंटू में है, मीन्स हमेशा पंक्ति स्तंभ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो चलो करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 3 × 1, 3 × 1 + 3 × -1, 3 × -1 + 5 × 0, 5 × 0 हो गया जी। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से खत्म काम, अब दूसरा होगा, ठीक है। तो 3 × 3, ठीक है। अब 3 × 2 + 3 × 2 + 5 × 0, 5 × 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका करेंगे 4 × 1 + 4 × -1 + 4 × 0, कैसे किए, ये देखो 4 × 1 + 4 × -1, जैसे दूसरे पंक्ति का पहले पंक्ति से हो, पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरे पंक्ति का क्या होगा, दूसरे स्तंभ से। 4 × 3 = 4 × 2 = 4 × 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दोगे जी तो आ जाएगा हम लोग का ए बी का वैल्यू, ठीक है। तो क्या आया, 3 × 3 = 5 के साथ कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 6 = 0 हो जाएगा, और 4 × 4 = 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 12 × 8 = 0। तो फाइनली हम लोग का ए बी का जो वैल्यू आया वो क्या आएगा, ये 0 आया, ठीक है, ये 15 आया, ये भी 0 आया, ये कितना आया, 20 आया। देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2×2 है, दो पंक्ति एक, दो पंक्ति दो स्तंभ, आंसर आया कि नहीं 2×2 में। तो हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कैसा आंसर आएगा। इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आंसर का जो है ये लास्ट का हम लोग का, ये हम लोग का आंसर आता है। ये ऐसे ही हमेशा करते जाना, ठीक है, कि मान लो आपका ऑर्डर बिगड़ गया, ठीक है, तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि हम लोग का ऐसे ऑर्डर में आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 2×2 में आंसर आया,
ठीक है, समझ आया ना। अब देखो क्वेश्चन आठवां देखते हैं, इसमें दिया है 1 0 -1 0 1 0 1 -2 0 2 0 -1 1 -1 और -1 और 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, एक और दो, ठीक है, दो पंक्ति है मीन्स दो लिख दिए। स्तंभ कितना, एक दो तीन, तीन ठो लिख दिए जी। ठीक है, अब इसमें कितना ठो, एक दो तीन मीन्स इसमें कितना ठो पंक्ति है, तीन, और स्तंभ दो ठो। ये देखो यहाँ पे फिर आंसर आएगा, क्या में आएगा, 2x2 में आंसर आएगा। और इसमें कितना ठो है, ये देखो एक दो मीन्स इसमें 2x2 का है। ठीक, समझ आया कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, तो हम लोगों को फाइनली गुणनफल मिल जाएगा, क्योंकि तीनों को एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, कर भी लेंगे तो दिक्कत होगा, तो इससे अच्छा दो को करते हैं फिर उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो चलो 1 0 0 1 -1 0, ये क्या होगा 1 -2 0 1 -2 0 2 0 -1। आप क्या करेंगे, पहले पंक्ति पहले स्तंभ, और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, खत्म है। ठीक है, तो चलो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक कम, एक दो के साथ जीरो पूरा होगा मीन्स जीरो हो जाएगा, एक के डेढ़ एक के साथ जीरो का होगा मीन्स जीरो हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे में क्या होगा, एक का दो के साथ होगा दो, जीरो का जीरो धन जीरो, अब तीसरे का ऋण एक का ऋण एक से मीन्स धन एक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, जीरो और एक का ऋण दो से होगा तो ऋण दो, जीरो का जीरो से होगा तो जीरो। ठीक, अब इसका दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से जीरो और एक का जीरो से होगा तो जीरो, और ऋण जीरो का जीरो का ऋण एक से होगा तो जीरो। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या आया, 1 3 -2 0। इसका ऑर्डर क्या है जी, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। अब हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एज इट इज लिख दो, 1 -2 3 0। ठीक है, और 1 -1 -1 1। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, इसका चलो हाँ इसका बताना आंसर क्या आएगा। ये है 2x2 में और ये भी है 2x2 में, तो आंसर इसमें आएगा 2x2 में ही आएगा। ठीक है, मीन्स हम लोग का जो आंसर होगा वो 2x2 में आएगा, ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो चलो करते हैं, पहला पंक्ति का पहले स्तंभ, पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ मीन्स एक गुणी एक मीन्स एक, और तीन गुणी त्रीड़े ऋण तीन। ठीक है, अब पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ ऋण एक और धन तीन, एक का ऋण एक से होगा तो ऋण एक धन तीन हो जाएगा। ठीक है, अब ऋण दो का एक से होगा तो क्या होगा, ऋण दो हो जाएगा, जीरो का इससे होगा तो जीरो हो जाएगा जी। ठीक है, ऋण दो का ऋण एक से होगा तो धन दो हो जाएगा, जीरो का इससे होगा तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आया, ऋण दो दो ऋण एक धन तीन दो हो जाएगा, और फिर ऋण दो और दो आएगा। यह है हम लोगों का आंसर, और इसका देखो ऑर्डर क्या है, 2x2 में है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जितना भी गुणनफल का क्वेश्चन रहेगा। एक बार और देखो कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग को गुणा यही करना है कि हम लोग को पहले ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, कितना किस क्या ऑर्डर में दिया है, तब तो हम लोग पहचान पाएंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद करना है पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, मान लो 3x3 का रहता तो पहले पंक्ति का फिर तीसरे स्तंभ से करते। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते जाना है, मान लो ये क्या है, ऐसे 2x2 आएगा। ठीक है,
ये देखो जितना स्तंभ है उतना तो आएगा, ठीक है। अगर स्तंभ और रहता तो आ रहा था, एक लाइन और आता, लेकिन स्तंभ दो ही है तो इसमें दो ही आएगा, ठीक है। अब देखो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से किए और पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किए, वैसे ही दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ से किए और दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किए, फिर फाइनल आंसर आते जाएगा, सारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं।